पौड़ी विधानसभा की समस्याओं पर गौर न करने पर विधायक राजकुमार पौड़ी ने नाराजगी व्यक्त की है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे जल्द ही जनता की समस्याओं का समाधान करें। दरअसल विधायक राजकुमार पौड़ी विधानसभा में हुए विकास कार्यों की प्रगति जानने के लिए अधिकारियों के साथ समक्ष बैठक कर रहे थे। इस दौरान उन्हें क्षेत्र में कई समस्याओं की जानकारी मिली। विधायक राजकुमार पौड़ी ने कूड़े की समस्या का निस्तारण न होने, सड़कों के गड्ढा मुक्त न होने और शहर में अवैध अतिक्रमण होने पर भी नाराज किए। वही नगर पालिका को निर्देश दिए हैं कि वे सीवरेज सिस्टम को ठीक करें ताकि गंदा पानी सड़कों में ना बहे। पौड़ी से भगवान सिंह की रिपोर्ट। जो समस्याएं आई हैं आज फिर से, तो उनका अभी जल्दी निस्तारण होगा, ऐसा मैंने अधिकारियों को निर्देश किया है और अधिकारियों ने भी उस चीज़ को एक्सेप्ट किया है कि हम टाइम जो टाइमलाइन उन्होंने दी है उसके अंतर्गत उसको पूरा करेंगे। विधानसभा पौड़ी की जो समीक्षा बैठक हुई उसमें विभिन्न विभागों को संबंधित निर्देश दिए गए, विभिन्न कार्यों से संबंधित कार्यों को शीघ्रतापूर्वक समाप्त किए जाने के लिए माननीय विधायक महोदय के द्वारा निर्देशित किया गया। इस संबंध में नगर पालिका में कूड़े की समस्या या रोड के कंडीशंस को लेकर या वाटर सप्लाई को लेकर जो जो भी मुद्दे उठाए गए हैं उन पर संबंधित अधिकारियों को यही निर्देश दिए गए कि तत्काल इन पर आवश्यक कार्रवाई कर रिलीफ दें।